शासन के निर्देश पर लगाए गए कोरोना आंशिक कर्फ्यू का असर मंगलवार को भी देखने को मिला। महानगर के हरिओम नगर चौराहा, इंद्राबाल विहार, एसपी डिफेंस स्कूल रोड, अंबेडकर चौक, चेतना तिराहा सहित अन्य क्षेत्रों में दुकानें बंद रहीं, लेकिन सड़क पर आवागमन जारी रहा। मंगलवार को कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने के लिए एसपी सिटी सोनम कुमार और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने कोतवाली सर्किल से पैदल फ्लैग मार्च किया। इस दौरान एसपी सिटी ने लोगों से अपील किया कि कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। इस दौरान रात्रि में भी कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस मुस्तैद रही और कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर कर्फ्यू का पालन करवा रही। इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि शहर में 41 जगहों पर बैरिकेडिंग किया गया है और प्रत्येक बैरिकेडिंग पर चेकिंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को कोतवाली क्षेत्र में भ्रमण किया गया और लोगों से अपील भी किया गया है कि वह घरों में रहें। इसके अतिरिक्त 188 के तहत मुकदमे लिखे जा रहे हैं और आगे भी लिखे जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, लॉकडाउन को लेकर के हर जगह बैरियर्स पे चेकिंग तो चली रही थी पहले से भी। आज हमने भ्रमण भी किया है कोतवाली क्षेत्र में और लोगों को समझाया है कि लोग घरों में रहें, बाहर बेवजह ना निकलें। कुछ लोग बाहर मिले थे हमें, उन्हें अभी समझाया गया है। इसके अतिरिक्त हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। कल 188 के आईपीसी के 28 मुकदमे लिखे गए शहर में, आगे भी ऐसे मुकदमे लिखे जाएंगे अगर हमारी कोई बात नहीं मानता है और संक्रमण फैलाता है। 41 चेकिंग पॉइंट है, हर जगह दो शिफ्ट में ड्यूटी लगी है, 12-12 घंटे की शिफ्ट।